हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक हमारे चैनल टाइप 786 में। और गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी HTML की फुल सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी थी। तो गाइस, बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स करने पे आज से हम PHP को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज है। तो गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स में डिफरेंस, कॉमन यूजेज ऑफ PHP, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PHP और सिंटैक्स ऑफ PHP को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए गाइस, इंट्रोडक्शन ऑफ PHP से स्टार्ट करते हैं। तो PHP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP क्या होती है? ये एक फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर की। PHP क्या है? ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और इसे ईजिली इम्बेड किया जा सकता है HTML लैंग्वेज के अंदर। इम्बेड मीन्स कि आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं HTML लैंग्वेज के अंदर। और ये किस लिए यूज़ की जाती है? डायनेमिक कंटेंट को मैनेज करने के लिए, डेटाबेसिस के लिए, सेशन ट्रैकिंग के लिए और ई कॉमर्स वेबसाइट्स को बिल्ड करने के लिए। तो PHP क्या होती है? ये किसी भी वेबसाइट का लॉजिकल पार्ट होता है और ये डिफरेंट डेटाबेसिस के साथ ईजीली इंटीग्रेट हो जाती है, जिनमें MySQL, ओरेकल, Sybase, इन्फोमिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हैं। तो गाइस, PHP जो है ये सपोर्ट करती है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को, जिनमें POP3, IMAP एंड LDAP हैं। और PHP का जो सिंटैक्स होता है ये C लैंग्वेज जैसा होता है। और PHP जो है ये डिज़ाइनिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और PHP जो है ये यूज़ की जाती है डायनेमिक कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे हमने डायनेमिक वर्ड जो है वो यूज़ किया है। तो चलिए, अब चलते हैं, आपको डिफरेंस बताते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है और स्टैटिक वेबसाइट में। तो चलिए देखते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट को पहले देखते हैं। अ स्टैटिक वेबसाइट कंटेन वेब पेजेस विद फिक्स कंटेंट। तो स्टैटिक वेबसाइट्स क्या होती हैं? कि ये फिक्स कंटेंट इनका होता है। ये मींस इसमें जितने आप लोग वेब पेजेस जो है वो इंक्लूड कर देंगे उतने ही रहेंगे। इसमें आप रन टाइम पे कोई चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ इंक्लूड करना है तो उसके लिए आपको पूरे का पूरा कोड जो है वो करना पड़ता है। और इसमें हर पेज जो है उसका कोड HTML के थ्रू ही होता है और सेम इंफॉर्मेशन जो है वो हर विजिटर को दिखाई जाती है। और स्टैटिक वेबसाइट्स को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और डायनेमिक वेबसाइट को देख लेते हैं। डायनेमिक वेबसाइट जो है ये एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं कि जिनका फिक्स कंटेंट नहीं होता। और इन आप रन टाइम पे मींस रियल टाइम पे कोई भी चीज़ आप जब कर रहे हो तो आप उस एट अ टाइम जो है इन वेबसाइट्स में कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं और डिलीट वगैरह वो भी कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट्स आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट्स एक ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनका जस्ट फ्रंट एंड होता है, मींस इनका कोई बैक एंड नहीं होता। और डायनेमिक वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जिनका बैक एंड होता है, मींस इनका सर्वर के साथ इंटरेक्शन होता है, मींस इनके पीछे PHP और ASP जो है वो हुई होती है। और डायनेमिक वेबसाइट जो है, जब आप किसी भी डायनेमिक पेज को एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, हमारा कोड जो है वो वेब सर्वर को पास हो जाता है और फिर वो वेब ब्राउज़र को रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो जाती है। ये किसके थ्रू होता है? PHP के थ्रू। तो गाइस, आई होप आपको डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट में डिफरेंस आ गया, पता चल गया होगा। तो गाइस, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एक ये भी है डायनेमिक वेबसाइट की, कि आप मोस्टली वेबसाइट्स का जब विजिट करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर करंट टाइम और डेट जो है वो आ रही होती है। तो गाइस, अब ऐसा तो नहीं है कि कोई पीछे कोई बंदा बैठा दिया जाए कि जो हर सेकंड बाद जो है वो टाइम चेंज कर रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए ये सारा काम जो है ये ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। और ये किस चीज़ के थ्रू हो रहा होता है? ये PHP के थ्रू हो रहा होता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हर सेकंड बाद जो है वो हमारा टाइम जो है वो पीछे उसको मैनेज करे। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? इसके लिए PHP जो है वो यूज़ की जाती है। तो इस तरह कोई भी हम लोग जो वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का हम लोग जब विजिट करते हैं तो उसके ऊपर करंट टाइम और डेट जो है वो इसी लिहाज से आ रही होती है, क्योंकि उसके पीछे ऑटोमेटिकली चीज़ें पहले से चीज़ें एडजस्ट कर दी गई होती हैं और PHP के थ्रू, और फिर वो हमें एग्जैक्ट टाइम और डेट जो है वो दिखा रहा होता है। तो गाइस, अब देख लेते हैं कि PHP के यूजेस क्या हैं। तो गाइस, PHP जो है ये फॉर्म्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती है।
और इसके थ्रू आप किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके थ्रू पीएचपी को यूज़ करते हुए आप लोग कुकीज़ और वेरिएबल जो हैं उनको एक्सेस भी कर सकते हैं। और गाइस, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट जो है पीएचपी का वो ये है कि आप इसके थ्रू अपनी वेबसाइट पे पीएचपी को यूज़ करते हुए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ताकि जो यूज़र्स हैं वो आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस को एक्सेस कर सकें और कुछ पेजेस को नहीं कर सकें। तो मींस आप जिन पेजेस को यूज़र्स को दिखाना चाहते हो, तो आप उन पेजेस पे अलाउ कर सकते हैं कि यूज़र आ सकें, और कुछ पेजेस पे आप पीएचपी के थ्रू रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा सकते हैं, ताकि आपके उन पेजेस को वो जो यूज़र्स हैं वो एक्सेस ना कर सकें। तो अब हम देख लेते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएचपी। तो इनमें सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और फैमिलियरिटी है। इसके बाद सिंटैक्स ऑफ पीएचपी। तो पीएचपी का स्क्रिप्ट जो है इसको कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर। और ये किससे स्टार्ट होता है, लेस देन का साइन, ये देखें लेस देन का साइन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और अंदर जितना भी कंटेंट होता है हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और इसके बाद ग्रेटर देन का साइन, और देन सेमीकोलन। जैसा कि आप नीचे एग्जांपल में यहाँ पे भी देख सकते हैं, सबसे पहले लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद पीएचपी लिखा जाता है, और अंदर जितना भी कोड आपने लिखना होगा यहाँ पे लिखते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन। तो गाइस, अपनी आज की इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी, स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस, कॉमन यूजेस ऑफ पीएचपी, और पीएचपी किन डेटाबेसिस के साथ यूज़ की जाती है वो, और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएचपी और सिंटैक्स ऑफ पीएचपी को एक्सप्लेन किया है। तो आई होप गाइस आप पीएचपी के बेसिक नॉलेज से जो है आपको पता चल गया होगा। तो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी फुल सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस, इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डाइस 786 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स।